तो काफी मजे आ रहे हैं यहाँ पे। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी, आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग कुछ होने वाला है अलग। तो अभी हमने जो आम पकड़ पकने के लिए घर पे, मम्मी ने वो सारे आम पक चुके हैं, अब बस अभी उनको दिखाते हैं और खाएंगे। तो भाई लोग ये है फ्री फायर लवर, और कोई फ्री फायर खेलता हो तो इन्हें ज्वाइन कर लेना। आईडी बताना अपनी, बताओ। तो भाई लोग आज हमारे पास कुछ काम नहीं है, बस ऐसे सुबह से पड़े हैं और बारिश भी हो चुकी है, ठंडा ठंडा मौसम है। तो अभी मौसम काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया मौसम। अभी बस गए थे मार्केट, बस कुछ काम था मार्केट में, और उसके बाद अभी जाना है कहीं पर, जा रहे हैं वहाँ पे, जा रहे हैं घूमने, गए तो वहाँ का ब्लॉग बनाएंगे पूरा। अभी बज रहे हैं रात के 8 और मैं जा रहा हूँ चित्रकूट, और वहाँ का आपका पूरा ब्लॉग दिखाएंगे। मैं पहली बार जा रहा हूँ तो काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है, और वहाँ का फुल ब्लॉग दिखाएंगे आपको। अभी अंधेरा है लेकिन मज़ा आएगा। हमारी ये गाड़ी खड़ी है, इसमें जाएंगे। तो अभी जो आप हाईवे देख रहे हैं बुंदेलखंड का, मेरे पीछे अंधेरा है, तो इसी से जाएंगे और इस सीधा जाएगा चित्रकूट। इससे पहली बार जाएंगे बुंदेलखंड हाईवे है। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर, और यहाँ पर टोल टैक्स भी था लेकिन अभी वो चालू नहीं है। मुझे पहले लगा कि वहाँ पे वो चालू होगा, तो हम रुक गए थे, गाड़ी स्लो कर ली थी हमने, लेकिन नहीं लगा वो। बहुत सही है, लेकिन कुछ समय बाद वो चालू हो जाएगा। अगर आप लोग आए तो देख कर आना। तो अभी हमारे साथ कौन कौन जा रहे हैं उनको आपको दिखाते हैं। मंडली आया ना बरा, फिलहाल करीब 50-60 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है, और अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बैठे बैठे कमर भी टेढ़ी हो गई है। और देखिए हमारी टीम अभी, और काफ़ी इंजॉय, और बारिश भी हो रही है, बारिश का मौसम है, सही है। तो काफ़ी मजे आ रहे हैं यहाँ पे। तो अभी काफ़ी मजे आ रहे हैं, काफ़ी मस्ती चल रही है, बट अभी टाइम हो चुका है 11:30, और हो सकता है 1-1.5 बजे तक पहुंच जाएं, सही है। तो अभी हम 5-6 घंटे से लगातार चल रहे हैं, पर जहां जाना था अभी वहां पहुंचे नहीं है, और अंधेरा काफ़ी है। तो फिलहाल अभी हम आ गए हैं काफ़ी सारे ट्रैवलिंग के बाद किसी पूछ के, तो ये आए हैं, ये यहाँ पर है रामघाट, और यहाँ पर अभी शायद आएंगे, नहीं तो जाएंगे फिर कहीं और। ये जो नदी है ये पैशनी नदी, बाकी तो इधर सब सही है, लेकिन यार पानी इधर काफ़ी गंदा लग रहा है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं लेकिन हमें जाना है हनुमान धारा, और ये है रामघाट, तो यहाँ से करीब 3 किलोमीटर है, काफ़ी भटक रहे हैं आज, लेकिन जो भी है अच्छी ट्रिप बन गई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है।